गाइस वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे एक यूनिक रेसिपी पकोड़े की सब्जी विद अ ट्विस्ट। उसमें हम जो तोरी होता है रिब गार्ड उसको यूज़ करेंगे, जिससे आप रिब गार्ड भी खा सकते हैं, आपको टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पकोड़ा बनाएंगे, जिसके लिए हमने मसूर की दाल होती है ऑरेंज वाली जो, उसको हमने भिगो के पीस के रख चुका है। उसमें हम डालेंगे जीरा धनिया पाउडर, प्याज कटे हुए प्याज, आप ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। मिर्ची डालिए उसमें, कटे हुए धनिया हमने ऑलरेडी मिला के रख दिया था और अभी हम थोड़ा और डाल रहे हैं। नमक आप ये सब क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से। तो और इन सबको हम अच्छे से अभी मिला लेंगे। हमने ऑयल भी डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है, गरम करने के लिए, और अच्छे से मिला लेंगे इसको। हम सब्जी बनाने के लिए बड़े बड़े गोले करेंगे पकौड़े के, अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। ऐसे ही आपको सारा जो बैटर है उसको फ्राई कर लेना है उसका। अभी हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो हम अभी सबको बर्तन में निकाल लेंगे। आपको ऐसे ही सब फ्राई कर लेना है। जो कलर अभी चेंज हो गया है, इतना अच्छा कलर हो गया, सही से पक गया है। मीडियम फ्लेम में आपको पकाना है। अभी हमने आगे की सब्जी बनाने के लिए इसमें आधा कप तेल डाल लिया है, जो कि अब गर्म हो गया है। उसमें हम साबुत जीरा डालेंगे हाफ स्पून, और एक बड़ा प्याज कटा हुआ डालेंगे, जब ये अच्छे से फूट जाए। अभी हमारा प्याज जो है पूरा फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं उसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने गार्लिक, जिंजर, जीरा धनिया, हल्दी, मिर्ची सबका मिला के पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। सब हमने एक एक चम्मच लिया था, और अभी हम इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं, तब तक हमने जो है ये तौरी काट ली है। हमने इसे लंबे लंबे स्टाइल में काटा है। अभी हमारा मसाला कितना अच्छा फ्राई हो गया है, आप देखिए सुंदर दिख रहा है कितना। ऑयल भी जो है सेपरेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें हमारे तौरी को डालते हैं। इसमें हमने एक बड़ी जो कटोरी रोटी होती है वो भर के हमने डाली है इसमें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे एक चम्मच, और इन सबको अच्छे से मिला देंगे ताकि सब मसाले अच्छे से कोट हो जाए। हमने सब कुछ अच्छे से मिला दिया है, अभी इसे हम ढक के पकने देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छे से रेडी हो गई है, ये पक गया है आधा। अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर आपको सब्जी के पकने के बाद ही डालना है, नहीं तो वो सब्जी को पकने देता नहीं है। तो इसमें एक बड़े कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर से हमने इसे कवर करके अब फिर से थोड़ा 2 मिनट और पकाएंगे। अब 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी तरह रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे अभी ऐसे ही खा सकते हैं, ये एक तौरी की सब्जी बन गई है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज में हम इसमें पानी डाल देंगे 1 ग्लास भर के, ताकि ये ग्रेवी बन जाए, क्योंकि हम इसे पकौड़े ऐड करेंगे तो वो उसको सोखेंगे, तो इसलिए आपको 1 ग्लास पानी डाल देना है। आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम थोड़ा बॉयल होने देंगे पानी को। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, तो ये मतलब पानी जो है हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। इसको भी हल्के हाथ से हम थोड़ा सा मिला लेंगे। हम इसको फिर ढक के थोड़ी देर और 5 मिनट पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी रेडी हो गई है। हमारी सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये हमारी पकौड़े की सब्जी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पूड़ी या चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है।
और ऐसे ही और टेस्टी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।